हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हिस्ट्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं से संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यह इसका 9वां पार्ट है जो आपके सुपर टेट परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूनियर और प्राइमरी में सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं से 25 से 30 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे, तो इस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से ही बनाए गए हैं सारे पार्ट को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो होता है एक पक्षी उत्सव है। ठीक है, एक पक्षी उत्सव है जो आंध्र प्रदेश में जो है, जो पुलिकट झील में मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष यहाँ पर जो है 15,000 फ्लेमिंगो पक्षी झील में आते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है फ्लेमिंगो का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन सी हैं? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 103 नंबर प्रश्न है, जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थस्थल है? तीर्थयात्रा स्थल नहीं है पूछा है। जेरूसलम जो है किसका तीर्थयात्रा स्थल नहीं है? ईसाई, पारसी, यहूदी, मुस्लिम। तो ये पारसी का नहीं है। ठीक है, जेरूसलम पारसियों का तीर्थस्थल नहीं है। जेरूसलम जो कि इजराइल की राजधानी है, ठीक है, मुसलमानों, यहूदियों तथा ईसाइयों का यहाँ पर ये पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। ठीक है, तो ये इजराइल का पवित्र स्थल है, इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। ठीक है, ये इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी है और ये पवित्र स्थल माना जाता है मुसलमानों का, ईसाइयों का और यहूदियों का। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो पारसियों का ये नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 104 नंबर प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी है, तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नेपी दाओ है। ठीक है, नेपी दाओ जो है म्यांमार की राजधानी है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब भूटान की राजधानी कहाँ पे है? तो ये थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी होगी। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं सभी की राजधानी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 105 नंबर प्रश्न है, द जंगल बुक किसने लिखी थी? तो द जंगल बुक लिखा था रूडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी और हैरी पॉटर श्रृंखला के पुस्तक जो है जेके रावलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द जंगल बुक रुयार्ड किपलिंग की है। 106 नंबर प्रश्न है, मैरी काम द्वारा जो है प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो मैरी काम कौन सी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाई हैं? तो ये पद्म भूषण से सम्मानित हुई हैं। ठीक है, मैरी काम भारतीय मुक्केबाज हैं और इनको जो है मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है और वर्ष 2016 में इनको जो है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और इन्होंने वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2003 में जो है अर्जुन पुरस्कार पाई हैं, 2006 में पद्म श्री पाई हैं और 2013 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार जीती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अमर्त सेन है। ठीक है, अमर्त सेन ने जो है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक लिखी थी वर्ष कब, 1998 में, और इनको जो है 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 108 नंबर प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर वादक हैं। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है एक भारतीय संतूर वादक हैं और यह जम्मू कश्मीर राज्य से हैं और संतूर एक लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से हैं और यह संतूर वाद जो होता है ये लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे आंध्र प्रदेश का। ठीक है,
आंध्र प्रदेश भारत के 28 राज्य में सबसे राज्य में जो है सब में से एगो राज्य है। यहाँ भाषा तेलुगु है और 1952 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में जो है पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में जो है तेलुगु भाषी आंदोलन शुरू हुआ और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1952 में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 110 नंबर प्रश्न है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? दिलवाड़ा मंदिर जो है किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो ये है जैन, ठीक है, जैन समुदाय का। माउंट आबू स्थित जो दिलवाड़ा मंदिर है जैन समुदाय का पवित्र स्थल है। यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है और इसका निर्माण जो है 11वीं और 13वीं शताब्दियों के बीच में हुआ था और भीम फर्स्ट के सामंत बिमल ने जो है आबू पर्वत पर इस मंदिर का निर्माण कराया था और भीम फर्स्ट गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। ठीक है, तो ये इसका निर्माण करवाया था भीम फर्स्ट। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये जैन समुदाय से संबंधित है। 111 नंबर प्रश्न है, जून 2099 के अनुसार भारतीय थेना की ऑपरेशन कमांड्स कितनी है? 1999 के अनुसार भारतीय थल सेना ऑपरेशन कमांड्स कितनी है? तो ये 5 हैं। ठीक है, पहला है उत्तरी कमान उधमपुर में जो है, दूसरा है जो है दक्षिणी कमान पुणे में है, और तीसरा जो है पूर्वी कमान कोलकाता में है, और चौथा जो है पश्चिमी कमान जो है वो शिमला में है, और जो मध्य कमान है वो लखनऊ में है। ठीक है, मध्य कमान लखनऊ में, और इधर आपका उत्तर पड़ेगा उत्तरी कमान जो है उधमपुर में, और दक्षिणी कमान आपका नीचे पड़ेगा, तो दक्षिणी कमान यहाँ पे पुणे में है। ठीक है, और पूर्वी कमान कोलकाता में है, और पश्चिमी कमान आपका कहाँ पे है? तो ये शिमला में है। ठीक है, तो ये 5 कमान है, तो आप लोग याद रखिएगा। 112 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किस विधायक के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बिरजू महाराज आप लोग जानते होंगे कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज जो है प्रसिद्ध कथक नर्तक एवं शास्त्रीय गायक हैं और 1986 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 113 नंबर प्रश्न है, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है जापान को कहा जाता है, अर्थात उगते हुए सूर्य का देश। इसका मतलब है उगते हुए सूर्य का देश, तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन तीर्थस्थल से मेल नहीं खाता है? तो चीन की दीवार चीन में है, सही है। भूटान ताकसांड ये भी सही है। नेपाल जो है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए सही है, और पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये श्रीलंका में नहीं है, ये कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, भारत के केरल राज्य में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और ये तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो ये श्रीलंका में नहीं है, कहाँ पे है? भारत के केरल राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मेल नहीं खाता है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है और यह पुस्तक जो है 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च की गई और इसके लेखक जो है सचिन तेंदुलकर तथा बोरिया मजूमदार हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार हैं। ठीक है, मजूमदार हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 116 नंबर प्रश्न है, काली क्रांति का संबंधित है? तो काली क्रांति किसे संबंधित है? तो कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति से संबंधित है। और मत्स्य उत्पादन किसे संबंधित होता है? तो ये नीली क्रांति कहते हैं मत्स्य उत्पादन को। ठीक है, और सरसों उत्पादन को पीली क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका काली क्रांति पूछा था, तो सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 117 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मिसाइल नहीं है पूछा है? तो पिनाक जो है ये मिसाइल नहीं है। ठीक है, पिनाक एक रॉकेट रखने या दागने की प्रणाली है, उसको पिनाक कहते हैं।
बल्कि अन्य सभी मिसाइल हैं। अग्नि हुआ, आकाश हुआ, नाग हुआ, ये सभी मिसाइल हैं। और पिनाक जो है ये रॉकेट रखने या दागने की एक प्रणाली कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन को कहते हैं। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इथनोलॉजी कहा जाता है, इथनोलॉजी। ठीक है, इथनोलॉजी जो होता है किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन, ठीक है, इथनोग्राफी कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 119 नंबर प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से जानी जाती है, तो किसके लिए? लेडी विद द लैम्प के लिए जानी जाती है। ठीक है, लेडी विद द लैम्प के लिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के लिए नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। 120 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। तो जहाँ पे राजस्थान पहले पाए वहाँ पे तो वही सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, क्षेत्रफल में कम से सबसे बड़े तीन राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,240। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान पर है। पहले पर कौन सा है? रूस हो गया, कनाडा हो गया, और चीन हो गया, अमेरिका हो गया, और ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर सातवें पे है आपका भारत। ठीक है, एक सौ 121 नंबर प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। ठीक है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1984 में स्थापित किया गया। भारत का पहला शोध है। ठीक है, और मैत्री एक है, भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, पहला है दक्षिण गंगोत्री और दूसरा है मैत्री। ठीक है, ये दोनों जो है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 123 नंबर प्रश्न है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। तो इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी के नाम से। ठीक है, इबोला कांगो देश में बहने वाली एक नदी है। इबोला कांगो देश में बहने वाली एक नदी है और जिसके नाम पर इसका नामकरण हुआ है, इबोला वायरस का। और इस बीमारी अथवा वायरस की खोज जो है 1976 में सर्वप्रथम जो है सूडान और कांगो में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है यहाँ पे? तो मुत्ती स्वामी दीक्षित कर्नाटक के संगीतकार हैं, तो ये सही है। परवीन सुल्तान एक गायिका हैं, ये भी सही है। और यमेश गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं, तो ये भी सही है। नंदलाल बोस ये बांसुरी से नहीं, तो नंदलाल बोस या नंदलाल बसु जो है भारत के एक प्रसिद्ध क्या है? चित्रकार हैं। ठीक है, चित्रकार हैं। और नंदलाल बोस ने जो है संविधान की मूल प्रति का डिजाइन किया था, ये आप लोग जानते होंगे। इस प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इन प्रसिद्ध चित्रों में जो है डांडी मार्च और संथाली कन्या, सती, आदि त्याग, ये सभी चित्रों का इन्होंने सभी चित्र बनाए हैं नंदलाल बोस ने। ठीक है, तो नंदलाल बोस ने चित्रकारों और कला अध्यापन के अतिरिक्त जो है तीन पुस्तकें भी लिखी थी, रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। और ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रख्यात शिष्य भी थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 125 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2016 का चिकित्सीय जीवतत्व का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2016 को दिया गया था ओसी नोरी ओसुमो को। ठीक है, ये 2016 का था। और 2020 में किसको दिया गया है? तो 2020 में दिया गया है हार्वे जे अल्टर को। ठीक है, और एक और है चार्ल्स यम राइस। ठीक है, संयुक्त रूप से दिया गया है, ये अमेरिका के हैं। तो इनको दिया गया है किस क्षेत्र में? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। ठीक है, तो याद रखिएगा, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एमराइज अमेरिका के, और वह माइकल हागटन ब्रिटेन के। ठीक है, तो तीन लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और इन तीनों लोगों ने जो है
हेपेटाइटिस सी वायरस की जो है खोज करने के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के व माइकल हागटन ब्रिटेन के। ठीक है, तीनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। 126 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र से दूर बहादुरी, साहसपूर्ण कार्यवाही या आत्मत्याग के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है अशोक चक्र। ठीक है, भारतीय सेना में जो है युद्धकाल के अदम्य साहस एवं शौर्य हेतु जो है परमवीर चक्र और महावीर चक्र तथा वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं, जबकि युद्ध क्षेत्र के बाहर शांतिकाल में अदम्य साहस एवं शौर्य के लिए जो है अशोक चक्र या इसको कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब अंदर पूछे तो परमवीर चक्र और जब युद्ध के बाहर पूछे युद्ध क्षेत्र दूर बहादुरी करने के लिए तो यहाँ पे अशोक चक्र दिया जाता है। 127 नंबर प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है। यह बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है और इसका निर्माण जो है 1626 में प्रारंभ हुआ और 1656 में ये पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो ये कर्नाटक में है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है? तो पद्म भूषण जो होता है। ठीक है, कला के क्षेत्र में अति विशिष्ट सेवा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा, पद्म विभूषण जो है ये भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो किसी क्षेत्र के विशिष्ट सेवा दिया जाता है और यह सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जाता है। और परमवीर चक्र जो होता है, ये परमवीर चक्र जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ सैन्य वीरता पुरस्कार है जो युद्ध में अद्वितीय साहस एवं शौर्य के लिए दिया जाता है। और ये जो पद्म भूषण है आपका, ये जो है राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है पद्म भूषण। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 129 नंबर प्रश्न है, किसे वर्ष 2016 का रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा, तो यहाँ पे देख लीजिए जीन पियरे सेबेज और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा जी माइकल कोस्टर लिटज, सर जे फ्रेजर रोस्टर्ड, बर्नार्ड एल फोलिंगा। ठीक है, फोरिंगा। तो यहाँ पे बी जो है ये जे माइकल कोस्टर लिट्ज को नहीं मिला है और सर जे फ्रेजर स्टोटर्ड और बर्नार्ड एल फोरिंगा और यहाँ पे पहला, ठीक है, इनको, इन तीनों को मिला है। और यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है जे माइकल कोस्टर लिट्ज को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये 2016 का था। 2020 में जान लीजिए किसको मिला है रसायन के क्षेत्र में, 2020 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया है इमैनुअल चारपियर और किसको, ये फ्रांस के हैं। ठीक है, ये फ्रांस के हैं और ये एक मिला है जेनिफर ए डोडना। ठीक है, तो दोनों को मिला है। ठीक है, ये यूएसए के अमेरिका के हैं। ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा, इमैनुअल चारपियर और जेनिफर ए डोडना को मिला है और इनको इस क्षेत्र में मिला है जीनोम एडिटिंग तकनीक विकसित करने के लिए जो है 2020 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन दोनों को मिला है। ठीक है, तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, इसमें से दो दे देगा, पूछेगा कौन नहीं है या इन दोनों में कौन है ए या बी करके इस तरह से प्रश्न बना देगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 129 नंबर का आपका। 130 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएँ नहीं जुड़ी हैं? तो किस राज्य की, तो हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा राज्य किसी अन्य देश से भौगोलिक सीमाएँ से नहीं जुड़ी हैं। बिहार राज्य जो है सीमा नेपाल को छूती है। पंजाब जो है, पंजाब और राजस्थान सीमाएँ किसको छूती हैं? पंजाब और राजस्थान ये पाकिस्तान को छूती हैं। हरियाणा जो है किसी अन्य देश को अपना सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में और सारे प्रश्न को आप लोग तैयार करते रहिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।